स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट है मैथ चैप्टर 1 बिल्डिंग ब्रिक ब्रिक्स वो हमारा पहला चैप्टर है। तो बिल्डिंग बनाने के लिए ब्रिक्स की जरूरत पड़ती है, तो हम वर्कबुक में अलग अलग ब्रिक्स देखेंगे, उसकी अलग अलग पैटर्न दी है आपको। यहाँ हम देखें उसको अलग अलग पैटर्न से या फ्लोर और अलग अलग वॉल बनती है। तो यहाँ हम देखें तो पीछे जाली एंड जरूखा जैसी पैटर्न भी दी है। नेक्स्ट यहाँ हम देखें तो बिल्डिंग बनाने के लिए ब्रिक्स की जरूरत पड़ती है। तो ब्रिक्स हम जब खरीदते हैं या उसकी प्राइस देते हैं तो हमें उनके नंबर की जरूरत पड़ती है। तो हमने थर्ड में फॉर विद नंबर्स में हमने नंबर सीखे, उसमें हमने 1000 तक सीखा। अब हमें आगे
वर्ड्स में लिखना है और छोटा उसकी रिप्लेस वैल्यू हमें करनी है। तो 9 × 9 ये कौन से नंबर पर है? 10,000। मतलब 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? पीछे कितने डिजिट है? 1, 2, 3, 4 यानी कि 4 जीरो लगते हैं, यानी कि उसकी प्लेस वैल्यू होगी 90,000। नेक्स्ट है 9 × 1000 = 9,000। आगे भी 9 है तो 9 100 की प्लेस पर है, तो 9 × 100 = 900। टेंस में भी 9 है तो 9 × 10 = 9। अब वर्ड्स में भी 9 है तो 9 × 1 = 9। और स्टूडेंट ये हमारा नंबर्स बना 99,999। तो अब यहाँ एडिंग 1 in 99,999, उसमें 1 नंबर ऐड करने से बनते हैं 1। ये देखो स्टूडेंट्स, 1 लिख नंबर बनता है। तो 1 लिख में कितने जीरो आते हैं स्टूडेंट? 5। क्या लिखते हैं हम? 1, 2, 3, 4, 5। 1 लिख में 5 जीरो आते हैं और उसको वर्ड में ऐसे लिखते हैं। चलो स्टूडेंट, मैंने अभी आपको इस तरह से समझाया कि प्लेस वैल्यू क्या है, तो आपको अब फटाफट से यहाँ प्लेस वैल्यू बोलनी है। नंबर दिया है यहाँ 3456। तो चलो 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? मैंने अभी आपको समझाया कि पीछे जितने डिजिट है उतने आपको जीरो रख देना है, तो 3 की प्लेस वैल्यू होगी 3000। यहाँ 30 रख दिया। चलो 4 की क्या होगी? 400। चलो नेक्स्ट 5 की कितनी होगी? वेरी गुड, 50। एंड 6 की प्लेस वैल्यू वही की वही होगी। चलो नेक्स्ट 5308, ये वाला दूसरा नंबर है हमारा। तो उसमें देखें तो 5 या 5 ही लिखे मैंने, उसके पीछे 3 डिजिट दिया है 1, 2, 3। तो पीछे कितने जीरो लगा देंगे हम? 3 जीरो लगा देंगे, तो क्या प्लेस वैल्यू उसकी हो जाएगी 5000। नेक्स्ट 3 के पीछे 2 डिजिट होने पर 2 जीरो लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? 300। 0 की प्लेस वैल्यू, नेक्स्ट है 0, तो 0 की प्लेस वैल्यू होती है 0, यानी कि यहाँ 0 आएगा। नेक्स्ट है 8, तो 8 की प्लेस वैल्यू होती है 8। आगे यहाँ डिजिट 1 बढ़ जाएगा। मैंने अभी आपको यहाँ समझाया 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट, यहाँ 5 डिजिट वाले नंबर आएंगे। तो अभी मैंने आपको समझाया कि आपको डिजिट पीछे जितने हैं उतने जीरो लगा देंगे। यहाँ हम उसको रीड करेंगे तो 62,000, तो 1000 में कितने जीरो लगते हैं स्टूडेंट? 4 जीरो, 1, 2, 3, 4। तो 1, 2, 3, 4 यानी कि क्या हुआ? 60,000। यहाँ उसकी